आज का जो रिक्रूटमेंट है GACL यानी गुजरात एल्केलिक एंड केमिकल लिमिटेड, इसमें आपके लिए अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसे जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BCOM और अदर ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। BTECH की बात करें तो अगर BTECH से आपने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और फिर केमिकल इंजीनियरिंग से BTECH किया हुआ है तब आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा की बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी ITI के अलग अलग ट्रेड हैं वो हम अभी देखते हैं। इसी में रिक्रूटमेंट है, इसी के बारे में बात करते हैं। इसमें आपके लिए अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट है। जॉब लोकेशन आपको वडोदरा गुजरात में देखने को मिलेगा। सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहले साल तो ये आपका अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप हम आपको बताएंगे कि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए आपको। एक तो ये लिमिटेड कंपनी है, गुजरात एल्केलिक केमिकल लिमिटेड, यह केमिकल प्लांट है, इसी में यह रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और हाँ, 11 फरवरी इसका लास्ट डेट है, तो आप 11 फरवरी से पहले इसके फॉर्म की अप्लाई कर लीजिए। चलिए हम आपको पहले इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप इसका फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये रहा GACL का नोटिफिकेशन, गुजरात एल्केलिक एंड केमिकल लिमिटेड, प्रमोटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। बाकी इसका वडोदरा लोकेशन होने वाला है, आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, यानी अगर आपने अप्रेंटिसशिप पोजीशन जो है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, यह BTECH वालों के लिए हो गया। अब यह है डिप्लोमा वालों के लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल केमिकल से आपने सिविल डिप्लोमा किया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ITI देख लीजिए, यहाँ पे केमिकल प्लांट से, उसके बाद ITI लेबोरेटरी यानी ITI लैब के लिए है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, BSc चाहिए, केमिस्ट्री से BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब्जेक्ट, ये सब इसमें रिक्वायर्ड है। बाकी BCOM अकाउंटेंट, बाकी जूनियर डाटा एसोसिएट, यह है एनी ग्रेजुएशन है। इसका जॉब लोकेशन आपका वडोदरा होने वाला है, देख लीजिए। बाकी ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और हाँ, इसका एज लिमिट, इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक। अगर आप 25 साल से ज़्यादा हैं तब तो आप इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप जनवरी में 25 साल हुए हैं तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिसंबर में ही 25 साल के हो गए तब तो आप इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक QR स्कैन करने के लिए बोल रहा है, मैं आपको खुद QR स्कैन करके दे रहा हूँ। और चलते हैं इसके करियर पेज पे और बताते हैं इसे कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, गुजरात एल्केलिक एंड केमिकल लिमिटेड यानी GACL करेंट ओपनिंग में कौन कौन सा है देख लीजिए। बहुत सारा पोजीशन है यहाँ पे, मतलब टोटल 18 वैकेंसी है, मतलब पोजीशन देख लीजिए 18 है, 18 डिपार्टमेंट है। अलग अलग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI है, BA है, BTECH है, BSc है, BCOM है, कुछ भी है, आप सबके लिए अलग अलग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, 1 फरवरी 2024 को ये जॉब ओपन हुआ है और 11 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है, यानी 10 दिन के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। ये देख लीजिए, इसको आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे, देखिए अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है ITI फीटर इलेक्ट्रिशियन से, अभी मैकेनिक केमिकल प्लांट से, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन कौन सा ठीक पड़ेगा। बाकी यहाँ देख लीजिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए नीचे आएंगे तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का टेक्नीशियन, यहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिविल का ओपन करके एक फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। यह हम देखिए, BE BTECH सिविल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी, 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में आपको इसमें करना है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, कैप्चा डाल के फिर आप इसको लॉग इन करेंगे। जब रजिस्टर कर लेंगे तो आपके जो ईमेल आईडी हम डाले हैं उस ईमेल आईडी को ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको पासवर्ड भेज दिया गया है, फिर ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के इसको साइनअप करना है आपको। देख लीजिए ईमेल पे मेरा आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया गया है। यहाँ से जाके आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी करके लॉगिन में डाल के उसको आप साइनअप कीजिए। हमने इसको साइनअप कर लिया, मेरा यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है, ये सब सारे चीज़ आपको फिल करना है। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके बता दिया, इसका नोटिफिकेशन दिखा दिया और इसके बारे में बता दिया। इसका जॉब लोकेशन आपका बड़ौदा गुजरात होगा। देख लीजिए अभी हम आपको ये फॉर्म फिल नहीं करके दिखाएंगे, आप फॉर्म आराम से फिल कर लीजिए। अगर फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर इसमें मैं फॉर्म फिल करने लगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में काफ़ी बोरियत होगी। तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा दिया और फिर इसका क्या क्या सारा प्रोसेस है वो सब चीज़ आपको हम बता दिए हैं। आप यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, इस पर भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कैसे कैसे करना है। यहाँ पर ऑलरेडी सारा चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो की समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।